बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वर्स। अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdardogar। तो व्यूअर देखते हैं आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी हाउ ए फंक्शन रिटर्न वैल्यू इन सी लैंग्वेज। मीन के आप एक फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन अपनी वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। ए फंक्शन कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। फंक्शन जब भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो सिंगल वैल्यू जो है ना वो रिटर्न होगी। द रिटर्न टाइप इन फंक्शन डिक्लेरेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय ए फंक्शन। मीन ये जब आप वैल्यू वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसी वक्त उसकी टाइप ही आपको इंडिकेट कर देगी कि आपकी वैल्यू रिटर्न होगी वो किस तरह की होगी। जब आप वैल्यू रिटर्न करेंगे तो तीन तरह की होगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती है, वो के थ्रू हो सकती है, वो वैल्यू शो कराएंगे आप। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है या आउटपुट स्टेटमेंट हो सकती है। तो देखते हैं कि आज के प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए तो कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंट स्क्वायर इंट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर सॉरी फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर है और फंक्शन का नेम क्या है स्क्वायर है और वो एक पैरामीटर पास करेगा जो किस टाइप का होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं इंट स्क्वायर इंट एन और यहाँ पे कर देते हैं जी रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय। तो यहां से प्रिंट एफ एंटर ए नंबर कोई नंबर एंटर करें जी स्कैन एफ परसेंटेज डी उसके बाद एंड परसेंट साइन यहां पे ए आ जाए। हम इनपुट कराएंगे उसके बाद स्क्वायर वो वेरिएबल को हम पास कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। नंबर आ गया जी 6 है। अब हो क्या रहा है कि ये 6 की स्क्वायर तो आ रहा है और 6 का वो रिटर्न भी हो रहा है लेकिन अब हम इसको शो कैसे कराएंगे। तो शो कराने के लिए तीन तरीका कार है। नंबर 1 है असाइनमेंट स्टेटमेंट, नंबर 2 है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और नंबर 3 है आउटपुट। तो पहले हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आर ई एस रिजल्ट के नाम से आर ई एस इक्वल टू। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी तो ये वैल्यू वहाँ पे रिटर्न होगी जहाँ से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये वैल्यू जो है ना एन मल्टीप्लाई बाय एन एन की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर आएगा और यहाँ पे वो वैल्यू जो है ना रिटर्न हो जाएगी। और ये वैल्यू हम किसके अंदर स्टोर करा लेंगे आर ई एस के अंदर स्टोर करा लेंगे और यहाँ पे हम आर ई एस वेरिएबल जो है ना उसको क्या करते हैं शो करा लेते हैं द रिजल्ट इज उसके बाद आर ई एस और एंड पे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। इसको मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो द रिजल्ट इज शो नहीं हो रहा। सॉरी यहाँ पे परसेंटेज डी लिखे। दोबारा इसको रन करते हैं या मैं 5 देता हूँ तो ये देखें द रिजल्ट इज 5। अब ये प्रोग्राम कैसे होगा, आपने वेरिएबल लिया ए, ए के अंदर आप एक इनपुट कराएंगे जैसे एंटर नंबर 5 आप ए के अंदर आप स्टोर करा देंगे। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ए की वैल्यू जो है ना वो साथ में पास हो जाएगी। ये ए की वैल्यू एन में स्टोर हो जाएगी और n को n से मल्टीप्लाई कर देगा मीन के 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 25 और 25 को हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे और वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी क्योंकि फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है और वैल्यू भी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और ये वैल्यू जो है ना आर ई एस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे शो करा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हो गया असाइनमेंट स्टेटमेंट का, अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू मुझे ट्रांसफर हो मैं मजीद उसके अंदर जो 10 ऐड करना चाहता हूँ
अब मैं अगर उसको फाइव नंबर देता हूँ तो फाइव ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, ए को जो है ना वो पास करेंगे तो वो एन में फाइव आ जाएगा, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 का रिजल्ट के साथ हम 10 को मजीद ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और 35 को हम यहाँ पे शो कर देंगे। ये देखें, ये हो गया है हमारा अरिथमेटिक स्टेटमेंट के थ्रू। और तीसरा तरीका होता है कि अगर हम इसको आउटपुट के थ्रू कैसे करेंगे, अब बजाय इसके हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन का जो है उसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे हम उसको कॉल करा देते हैं, और अब आर ई एस वेरिएबल की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, मैं देता हूँ फाइव, और ये देखें अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने जो वैल्यू एंटर नंबर फाइव किया, यानी कि ये आउटपुट आएगी, उसके बाद आप वैल्यू स्टोर करा देंगे फाइव। अब फाइव जो है ना, जब फंक्शन कॉल होगा तो फाइव ए के अंदर पास हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर के तौर पर, और ये एक्चुअल पैरामीटर अपनी वैल्यू जो है ना ये फॉर्मल पैरामीटर एन को ट्रांसफर कर देगा, और ये एन को एन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 25 आ जाएगा, और ये 25 वैल्यू जो है ना यहाँ पे आपकी जो है ना वो स्टोर, यानी कि समझ रहे कि शो हो जाएगी, और इस तरह आपको जो है ना रिजल्ट वो शो हो जाएगा। ये तरीका होता है वैल्यू रिटर्न कराने का। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैंने जो इंटीजर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अगर वाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं वाइड कर देता हूँ, तो ये देखें अब वैल्यू जो है ना आपकी वो रिटर्न नहीं होगी बल्कि एरर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जब फंक्शन आपने डिक्लेयर करना है तो उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपकी जो वैल्यू रिटर्न होगी उसकी टाइप क्या होगी। आप इंटीजर वैल्यू कराना चाहते हैं, फ्लोट कराना चाहते हैं, डबल कराना चाहते हैं, कैरेक्टर कराना चाहते हैं, तो वो उस तरह आपको जो है ना वो उसी टाइप की आपको रिटर्न टाइप रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद आपके पैरामीटर, अगर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर देने हैं तो उसको कॉमा डाल के आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करते रहें, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, बाय, अल्लाह।